The name of the chapter is The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. The ticket collector looked so closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No, George, it's not a dog." Prodded matlab point karte hue, pointed, uske taraf ishara karte hue, aur triumphant matlab victorious ya fir ajeeb, vijayi ki tarah. Ticket collector ne bahut hi dhyan se tortoise ki taraf dekha और फिर उसकी तरफ इशारा करते हुए ग्रैंडफादर से कहा, नो चार्ज फॉर इट, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, यह एक डॉग नहीं है. व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वॉज गिवेन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना. अब जब वो लोग वहाँ से सहारनपुर से वापस आते हैं तो ग्रैंड मदर को टोटो के बारे में बताया जाता है और टोटो को वो एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो जब वो ग्रैंड मदर टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उसको एक जगह रहने के लिए जो जगह दी जाती है वो है एक स्टेबल जहाँ पे एक डंकी भी रहता है जिसका नाम क्या है, नाना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंड फादर मेड हिम विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल. जिस दिन टोटो को स्टेबल में शिफ्ट किया गया था ग्रैंडफादर उसको देखने चाहते हैं कि वहाँ पे उसे कोई दिक्कत तो नहीं है. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विद अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे. हॉल्टर मतलब अ रोप प्लेस नियर द हेड जिससे जानवरों को बांध के रखा जाता है गले पर. बंडल ऑफ हे मतलब ड्राई ग्रासेस का बंडल. तो वो जब वहाँ पे जाके देखते हैं टोटो को कि वो सही है या नहीं तो वो क्या देखते हैं कि नाना जो डंकी जो था वो अपने गले की जो रस्सी थी उसे खींच रहा था और ट्राई कर रहा था कि वो घास के बंडल से दूर ही रहे. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर. नाना ने ग्रैंडफादर ने जैसे ही नाना को होता है ना एनिमल्स को बॉडी पे थोड़ा पुश करना स्लैप, ग्रैंडफादर ने भी यही किया. उसने नाना के हॉन्चेस पे हाथ से स्लैपिंग की लेकिन तभी उसने झटका देते हुए टोटो को अपने साथ खींच लिया. ही हैड फास्टर्न ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ. फास्टर्न मतलब इस जग जो टोटो था वो नाना की लॉन्ग ईयर्स पे अपने शार्प टीथ से ग्रिप बनाए हुए था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. इसी तरह टोटो और नाना कभी भी आपस में फ्रेंड्स नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. विंटर्स में टोटो के लिए सबसे खुशी की बात होती थी एक लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर. सर्दियों में दादी माँ ग्रैंड मदर उसको एक बाउल में गर्म पानी देती थी नहाने के लिए जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता था. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ फर्स्ट वन फुट देन द अदर अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक. अब उस वार्म वाटर में नहाने के लिए वो कैसे कैसे उसके अंदर स्टेपिंग करता था इसका हमें बताया गया है. कनिंगली मतलब क्लेवरी, बहुत ही चतुराई से. वो बहुत ही चतुराई से पानी का टेम्परेचर चेक करता था कि कहीं पानी ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ठंडा तो नहीं है. कैसे कैसे करता था, सबसे पहले एक पैर रखा अंदर बाउल के अंदर, फिर दूसरा रखा और धीरे धीरे पानी के अंदर चला जाता रहा. कब तक, जब तक वो उसका पानी उसकी नेक तक ना आ जाए. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार वो पानी में जब सेट हो जाता था तो हाथ या पैर में सोप लेके अपनी पूरी बॉडी पे रब करता था. When the water became cold, he would get out and run quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself. गर्म पानी जैसे जैसे उसके नहाते नहाते ठंडा होने लगता तो वो जल्दी से बाहर निकल के किचन में आग के पास, गैस के पास जाता. क्यों, ताकि वो खुद को सुखा सके. इफ़ एनिमल लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ. अगर उसकी इस एक्टिविटी के दौरान कोई भी उसको देख के हंस जाता था तो उसकी परफॉर्मेंस को देख के हंस जाता था तो उसे बहुत ही हर्टिंग महसूस होता था, उसे बहुत ही
दुख होता था और वो तभी के तभी नहाने से इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार क्या हुआ कि वो खुद को बॉइल करने में सक्सेसफुल होने ही वाला था।